रानी शिल्पी यूट्यूब पे आप सभी को स्वागत है। फ्रेंड्स, आप अगर नए हैं और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग यूज करना चाहते हैं तो पहले आप OBS स्टूडियो जरूर यूज कीजिए, क्योंकि आप अगर VST बारे में सोच रहे हैं तो आपको सिर्फ इसी सॉफ्टवेयर में VST प्लगइन करने को मिलेंगे और ये बिल्कुल फ्री है। इसमें सबसे ज़्यादा लेटेस्ट वर्जन 2023 का अपनों को देखने, यहाँ से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आकर आपका विंडोज, मैक और लिनक्स के लिए, तो इसमें आप क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप अगर नहीं इंस्टॉल करना चाहते तब भी आपको जीप फाइल मिलेंगी, तो मैंने पहले से ही डाउनलोड करके रखा है। वो जीप फाइल ऐसे यूज करें, किसी भी ड्राइव में रखकर भी आप इसे यूज कर सकते हैं। जीप ऑलरेडी इसे, तो यहाँ से हम ओपन करेंगे, किसी भी फाइल में आप इसे रख सकते हैं ड्राइव में। तो आपको पहले इंटरफेस ऐसा नज़र आएंगे, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको काट देना है इसको बस। अब ऐसा देखने को मिलेंगे तो आप सोच रहे हैं क्या करेंगे, कोई बात नहीं। आप यहाँ से राइट क्लिक करके यहाँ से ये जो में इसको आप जो भी चीज़ यूज करना चाहते हैं उससे आपको ऐड करना पड़ेगा। अब रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो भी ऐड करना पड़ेगा, कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो भी आपको इसे ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप राइट क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐड करके आप क्या ऐड करना चाहते हैं। तो पहले हम डिस्प्ले कैप्चर जो डेस्कटॉप का कैप्चर है फर्स्ट वही हम क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, तो आपको सामने स्कैन शो हो गया है। ओके पे क्लिक कर देंगे, देख रहे हैं जब भी मैं कर रहा हूँ वो शो होने लगा। यहाँ से आपको सेटिंग मिलेंगे, मेन सेटिंग यहीं पर है, एग्जिट सेटिंग स्टार्ट रिकॉर्ड। यहाँ से आप रिकॉर्डिंग अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, तो पहले वो सेटिंग में पहले जाना है। सेटिंग में जाके आप आपका वीडियो फाइल जो रिकॉर्डिंग हुई है कहाँ पर आप डालेंगे वो लोकेशन आपको मिलेंगे, आउटपुट ऑडियो जो आपका ऑडियो डिवाइस है पहले डिफॉल्ट रहेंगे, उसके बाद मैं USB ऑडियो डिवाइस से बात कर रहा हूँ, तो वो आपका जो भी है आप इसे सिलेक्ट कर लीजिए जैसे ऐसे। और भी आप वीडियो शॉट यहाँ से आप कोई भी चीज़ अगर शॉर्टकट में करना चाहते हैं तो यहाँ से आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं जो भी शॉर्टकट चाहें। एडवांस और भी आपको आहिस्ता आहिस्ता आपको सेटिंग मिलेंगे। और भी कुछ वीडियो मेरा यूट्यूब में पड़ा हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। नॉर्मल जाके आपको लैंग्वेज जो भी चाहे आपका लैंग्वेज है आप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिलहाल जो इंग्लिश है वही रहने देते हैं। सिम्टम इसके ऊपर अभी आवश्यकता नहीं है। यह सब देखने को मिलेंगे, वीडियो कहाँ पर आप सेव करना चाहते हैं, यहाँ से आप लोकेशन चेंज कर सकते हैं, किसी भी ड्राइव में आप यूज कर सकते हैं, वरना ये डिफॉल्ट जो इसने डिटेक्ट कर लिया वहाँ पर आप सेव होंगे। तो फिर आप अगर इसमें कुछ दिखाना चाहते हैं, मैं यहाँ पे ऐड करूँगा मीडिया सोर्स, इसमें आपको वीडियो मिलेंगे जहाँ भी वीडियो अगर है। मान लीजिए ये वीडियो मैं दिखाना चाहता हूँ, तो इसे क्लिक कर दीजिए आप,
ऐसे वीडियो जितना चाहे आप बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर डिसेबल भी कर सकते हैं और स्टार्ट भी कर सकते हैं। यहाँ को आपको प्लग इन करने का ऑप्शन मिलता है, एडिटर में जाएंगे, यहाँ से आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलेंगे, बेस्ट प्लग इन, वीडियो डिले और भी सारे इफेक्ट हैं इसमें। यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं कलर की एडिट, बहुत कुछ ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। यहाँ से आपको अगर ग्रीन स्कैन यहाँ से चूज कर सकते हैं, ग्रीन स्क्रीन भी ऑप्शन आपको मिलेंगे। आपको यहाँ से पहले वीडियो वेबकैम यूज करना पड़ेगा। वेबकैम के लिए मैं सेटिंग आपको दिखा देता हूँ कहाँ से आप करेंगे। मैंने मोबाइल अभी तक ऐड किया नहीं, मोबाइल से अब वीडियो आप ऐड कर सकते हैं और वेबकैम से भी आप ऐड कर सकते हैं। वीएसटी प्लगइन ऐड किया लेकिन अभी कलर की कोरमा का ये जो इफेक्ट है आपको बैकग्राउंड रिमूव करने, जब वीडियो ऐड करेंगे तब यहाँ से आपको बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। और भी एक प्लगइन आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ से आप OBS यहाँ पर आप जाएंगे, हर तरह का बैकग्राउंड का ऑप्शन आपको मिलेंगे। यहाँ से आप प्लगइन ऐड कर दीजिए और ये जो सॉफ्टवेयर है ड्रॉइड कैम OBS कैमरा, ये आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगे इस नाम से, और आप मोबाइल से आप इसे ऐड CCTV कैमरा के तरह आप यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेंगे और जो भी चाहे इफेक्ट यूज कर सकते हैं, ऑडियो मॉनिटर बहुत सारे हैं इसमें, जो भी वीएसटी चाहे आप ऐड कर सकते हैं। अब तक आपको मैं दिखा देता हूँ इसका वर्जन क्या है, और लेटेस्ट वर्जन उसके बाद यहाँ पर आप इमेज ऐड कर सकते हैं जो भी चाहे, और जो ऑडियो इनपुट, ऑडियो आउटपुट आप जो भी ऐड करते हैं। ये वीडियो कैप्चर डिवाइस यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो आपको जो वेबकैम का ऑप्शन है वो आपको यहाँ शो होने लगेगी। फिलहाल मेरा अभी नहीं है, फ्रेंड्स और भी आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं जैसे VLC वीडियो शॉर्ट, यह सब क्लिक करेंगे और आपको जो भी वीडियो चाहे ऐड क्लिक करके आप यहाँ से भी प्ले कर सकते हैं। ओके कर दीजिए तो बस शो होने लगेंगे। आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से, आप रिमूव का भी ऑप्शन आपको देख मिलेंगे। अभी फिलहाल आप डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ से आप रिमूव कर सकते हैं जो भी
सेटिंग से रिमूव कर सकते हैं और डेस्कटॉप कैप्चर को आप बंद भी कर सकते हैं। यहाँ से आप इस तरफ देखना चाहते हैं दिखा सकते हैं। फ्रेंड्स अब अगर टेक्स्ट इसे ऐड करना चाहते हैं यहाँ पर स्क्रीन में तो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ से भी आप राइट क्लिक करके यहाँ से टैक्स ऑफ सेलेक्ट कीजिए, टैक्स ग्रुप में जाएंगे, ओके करेंगे, उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा थोड़ा जितना चाहें आप यूज कर सकते हैं। डिसेबल और एनाबल कर सकते हैं फीचर को। यहाँ का कलर अगर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और फ्रेंड आप अगर कभी सेटिंग में अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो आप रिसेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फ्रेंड आपको रिसेट करने के लिए सो सेटिंग फोल्डर में जाना पड़ेगा, उसके बाद इस सब को सिलेक्ट करके आपको डिलीट करना पड़ेगा। क्योंकि रनिंग टाइम आपको सब डिलीट नहीं होंगे, अब एग्जिट करना पड़ेगा, उसके बाद आप डिलीट कर दीजिए, उसके बाद पहले जैसा आप हो जाएंगे। और फ्रेंड आप अगर मोबाइल से आपका फेस देखना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ऐड करने का ब्राउज़र और ओके के क्लिक कर दीजिए और आपको एंड्रॉइड में आपका आईपी एड्रेस लोकेशन आपको यहाँ से ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद काम होंगे, आप यहाँ से आप यूज कर पाएंगे, आपका यह फेस नज़र आएंगे। एंड अब ऑडियो के बारे में हम बताने वाले हैं। ऑडियो में आप यूज करेंगे तो आपको एडवांस प्रॉपर्टीज में जाके आपको डेस्कटॉप ऑडियो एक्टिवेट करना पड़ेगा। एक्टिवेट माइक ऐसे आपको सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिलेंगे। एग्री करेंगे एक बार करके दिखा देता हूँ।